राजेश रंजन उर्फ पप्पू जादू, एक बीमार व्यक्ति जो गरीबों का आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आज उनको जेल में डाल दिया गया है। एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार सिस्टम को जब जब जगाने का प्रयास किया है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, ये है चंपारण की धरती, चंपारण की मिट्टी है, और देखिए ये सदर अस्पताल है, और ये एम्बुलेंस की स्थिति देखिए आप लोग क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एम्बुलेंस की स्थिति। जब भी आवाज उठा जाता है तो सरकार क्या करती है, जेल में डाल देती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एम्बुलेंस यहाँ पे लगी हुई है। और ये एम्बुलेंस देखिए, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये डाउन है, बाकी सब इसका सही दिखाई दे रहा है, सबसे सही है। पानी में ये एम्बुलेंस सड़ रहा है। राजेश रंजन उस पप्पू यादव जी, रूडी जी का आवाज उठाए तो क्या किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। कितनों के जेल में डालिएगा, ये देखिए स्थिति, चंपारण की धरती है, चंपारण की मिट्टी। आइए आपको दिखाता हूँ किस तरह एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ रहा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए एम्बुलेंस बहुत बढ़िया है, सब कुछ इसका सही है, देख लीजिए। बस इसको इसी तरह लगा दिया गया है। यहाँ देखिए, ये दिखाइए, ये देखिए पानी में उसमें सड़ रहा है। इधर आइए, इधर दिखाइए। एक दो तीन चार पांच, सभी एम्बुलेंस अभी स्थिति सबका अच्छा है। मुश्किल से 5,000-10,000 रुपया इसमें लगाया जाए तो सभी एम्बुलेंस रोड पर चलने लायक होगा। आज जब 2 बजे रात में कोई गांव में एम्बुलेंस के लिए फोन करता है तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एम्बुलेंस के अभाव से पेशेंट मर जाता है। और जब एक सेवक, एक बेटा आवाज उठाता है, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी आवाज उठाते हैं, तो सरकार क्या काम करती है, उनको जेल में डालने के लिए काम करती है। देखिए एम्बुलेंस पर आऊंगा, आपको जेल में डालिएगा, लगा दीजिएगा हम पर भी केस कि हमने छेड़छाड़ किया। ये देखिए एम्बुलेंस किया, आइए दिखाते हैं क्या गलती किया था आदरणीय श्री पप्पू यादव, क्या गलती किए थे, यही किए थे ना कि आज जो कोरोना स्थिति है, जो लोग मर रहे हैं दवाई के बिना, एम्बुलेंस के बिना, ऑक्सीजन के बिना, उन्होंने 2 बजे रात कर लोगों के लिए, 2-2 बजे रात को उठकर लोगों को, 2 बजे सोते नहीं है, हमेशा उन लोगों के लिए सेवा करते हैं और लगे रहते हैं, उसको उनको जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, देख लीजिए क्या स्थिति है, सभी एम्बुलेंस सभी का स्थिति अभी सही है, देख लीजिए। मुश्किल से 5,000-10,000 रुपया इसमें लग जाए तो सभी चलने लायक एम्बुलेंस है, देख लीजिए। कब तक जेल में डालिएगा, कब तक अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप किसको जेल में डालिएगा, कब तक सिस्टम, कब तक आप, कब तक मुखौटे बन कर रहिएगा, कब तक, देख लीजिए। पानी में सड़ रहा है, इसी तरह सड़ कर ये मट्टी में तोप दिया जाएगा, बाद में क्या होगा, ये तोप दिया जाएगा, देख लीजिए। इधर उधर 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 बहुत करने का प्रयास करता हूँ दिखाने का। यहाँ बहुत पानी है,